स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ क्लास सेवेंथ होम साइंस क्लास एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 8, हार्म्स ड्यू टू इंडिस्क्रीट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो पता ही है आपको कि ऑब्जेक्टिव्स इसमें कंप्लीट करके दिया है, तो ये आपको अपने से करना है. और हम चैप्टर पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर. तो जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि आपको नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देखो, आपको पेज नंबर 49 पे सबसे पहली लाइन जो है, उसके बाद में आप देखो कि ट्रीज़, प्लांट्स, वाटर्स, लाइट ऑफ सन, टेम्परेचर एंड द सॉइल, ये सारे क्या है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर ने प्रोवाइड करे हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड सप्लाई, कि जिनकी सप्लाई क्या है, लिमिटेड है. तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ट्रीज भी है, लिमिटेड सप्लाई है, वाटर है, ठीक है. फिर है क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू रिसोर्सेज हुज सप्लाई इज अबंडेंस, कि जिनकी सप्लाई बंद नहीं हो सकती है. तो दैट इज लाइट ऑफ सन एंड हीट. न तो सन की रोशनी कभी ख़त्म हो सकती है, और अगर सन की रोशनी है तो हीट भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी डन इफ़ देयर इज़ द नीड ऑफ कटिंग एनी ट्री एट ऑल, कि अगर ऐसी ज़रूरत है कि आपको कोई ट्री काटना ही काटना है, तो आपको क्या करना चाहिए. वी शुड प्लांट न्यू सैपलिंग्स बिफोर कटिंग ट्रीज, एट पेज नंबर 49 नीचे लाइन में आप देखो, वी शुड प्लांट न्यू सैपलिंग्स बिफोर कटिंग ट्रीज, कि अगर हमें बहुत ऐसी इमरजेंसी है कि ट्री को काटना ही है, हमें बहुत सारे यूजेज होते हैं ट्रीज के, तो अगर आप किसी एक पेड़ को काटो तो आप एक नया पौधा भी लगा दो उसके साथ में. नेक्स्ट है वाई द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज गोइंग डाउन डे बाई डे, एंड द आंसर इज एट पेज नंबर 51, We have invented many devices like motor pump, submersible sets and water tanks to explore underground water. कि ज़मीन का पानी हमें मिल सके, हमें पानी लेने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, तो हमने क्या किया है कि कई सारे मशीन्स लगा रखे हैं घर में, लाइक मोटर पम्प हो गया, सबमर्सिबल हो गया. तो ये सब क्या करते हैं कि बहुत अंदर से पानी वगैरह जो खींच के बाहर निकाल देते हैं. इससे क्या होता है, द वाटर लेवल इज़ बिकमिंग डिमिनिश्ड, और धीरे धीरे वाटर लेवल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है. एंड फिर आते हैं हम शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन व्हाट मैनर फॉरेस्ट्स आर यूजफुल फॉर मैन काइंड, कि आप कैसे कह सकते हो कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए यूज़फुल है. तो सबसे पहले आप देखो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस जो दिए हुए हैं कि ट्रीज़ को कट करने के, उसी में देखो एक एक लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही सारे आपके हैं यूज़फुल फॉरेस्ट के यूजेस. लाइक नंबर 1 कर सकते हो आप, दीज आर ग्रेट प्योरीफायर ऑफ एयर. फॉरेस्ट क्या हैं, एयर के ग्रेट प्योरीफायर हैं. नंबर 2 आप कर सकते हो, ट्रीज चेक या फॉरेस्ट चेक द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, कि जब भी रेनी सीजन होती है तो ये वाटर की फ्लो को चेक करते हैं, बना कर रखते हैं उसको, ज़्यादा ओवर नहीं होने देते. थर्ड नंबर कर सकते हो, फॉरेस्ट इंक्रीजेज द क्वान्टिटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ दिया है ना कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूसेज द क्वान्टिटी ऑफ रेनफॉल. तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या कर रहा है, रेनफॉल की क्वान्टिटी को रिड्यूस कर रहा है. तो आप क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज द क्वान्टिटी ऑफ रेनफॉल, कि ये रेनफॉल की क्वान्टिटी को बढ़ाते हैं. एंड और एक क्या पॉइंट लिख सकते हो, सम प्रीसियस हर्ब्स आर ऑल्सो फाउंड इन फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में हमें कुछ प्रीसियस हर्ब्स ही मिलते हैं.
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू है, इन व्हाट मैनर वाटर इज़ वैल्यूएबल फॉर अस, इन व्हाट मैनर वाटर इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। तो वाटर आपके लिए कैसे वैल्यूएबल है ये आपको करना पड़ेगा खुद से ही। आपको जो भी वैल्यूज़ आपको वाटर की समझ में आती हैं, यूजेस आपको जो भी वाटर के पता हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर है थर्ड नंबर, राइट योर एनी फाइव सजेशन टू सेव वाटर। तो ये भी आपको अपनी ओन लैंग्वेज में ही लिखना है कि आपको वाटर को सेव करने के लिए क्या क्या करने चाहिए। तो आपको कोई भी फाइव सजेशन अपने हिसाब से देने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट, और लॉन्ग आपको नहीं करना है इस चैप्टर से। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, लेट सो टेक केयर, गुड बाय।